अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर फाइव, मोर अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग। चैप्टर नंबर फाइव के अंदर हमारे पास बुक पेज नंबर 64 पर एक्सरसाइज दी गई है कि एक्सरसाइज है, बुक पेज नंबर 64 पर एक्सरसाइज है, स्टेट व्हाट दीज टूल्स एंड फंक्शंस आर यूज फॉर। ये टूल्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। नंबर वन पर क्या है हमारे पास, अलाइनमेंट शो की गई। अब ये फाइंड करना है ये कौन सी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट। नंबर टू पर क्या है हमारे पास, टेक्स्ट रैप, जिसके अंदर जैसे कि हम इमेज है इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंसर्ट करने के बाद आप इमेज को डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, टेक्स्ट रैपिंग। उसके बाद है यहाँ पर एक पेज दिया गया यानी मार्जिन, मार्जिन लाइंस दिखाई गई हैं यहाँ पे, तो इसको हम नाम क्या देंगे, मार्जिन्स। इसी तरीके से आपको अपने टूल्स स्टेट देखने के बाद, टूल्स देखने के बाद फंक्शंस, इनके फीचर्स आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में नंबर फोर पर बुलेट्स दिखाए गए हैं, कौन से बुलेट्स हैं, एक होता है आपके पास ब्लैक डॉट में और दूसरा होता है न्यूमरिक में, अल्फ़ाबेट में। यहाँ पर न्यूमरिक दिखाए गए, तो यहाँ पर आप बोलेंगे नंबरिंग। उसके बाद है पेज साइज़ के बारे में बताया गया है कि आप यहाँ पर पेज की साइज़ शो हो रही है, तो इस आइकॉन को देख के आप क्या लिखेंगे, पेज साइज़। उसके बाद है ओरिएंटेशन, डिफरेंट ओरिएंटेशन दिखाई गई हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यहाँ पर हम नाम देंगे ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ये बुक, ये एक्सरसाइज एक ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से अपने आइकॉन्स देख के उनके नाम्स आपको लिखने हैं याद। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या करना है, टू अंडू एन एक्शन वी प्रेस द कंट्रोल जेड। किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए, वापस लाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल जेड यूज़ करेंगे। व्हेन टेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली वाइल टाइपिंग इज कॉल्ड, क्या आप लिखेंगे, आप क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग। जहाँ पर आपका टेक्स्ट सेकंड लाइन पे ऑटोमेटिकली मूव हो जाए उसको आप क्या बोलेंगे, टेक्स्ट रैपिंग। इफ़ वी वॉन्ट टू स्पेल बाइंड बुक फ्रॉम द टॉप व्हेन वुड चेंज द सेटिंग, डे सेटिंग। जब आपको कोई भी बुक बाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, कौन सी सेटिंग यूज कर चेंज करेंगे, गुट्टर मार्जिन। द टाइटल ऑफ एन एसे शुड बी अलाइन इन द डैश ऑफ द पेज। अब जो एसे का टाइटल आप पेज के कहाँ पर देते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर, तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर, सेंटर। बिफोर कटिंग और कॉपिंग अ सेंटेंस इज इट शुड बी क्या करेंगे, सिलेक्ट। कट एंड कॉपी करने से पहले हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई इज अ शॉर्टकट की टू रीडू अ कमांड, ठीक है। कंट्रोल जेड क्या है, अंडू, एंड कंट्रोल वाई क्या है, रीडू, ठीक। उसके बाद है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर अ टाइप ऑफ, किस चीज़ के टाइप्स हैं, ओरिएंटेशन के, ठीक है। ये आपको बुक पेज नंबर 46 पर एक्सरसाइज है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और याद आपको इसकी टेस्ट करनी है, टेस्ट करने के बाद वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है।